नमस्कार, स्वागत है आपका बिजुपथ एजुकेशन में। तो आज मैं हिंदी की क्लास में आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ, उस टॉपिक का नाम है पर्यायवाची शब्द। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पर्यायवाची। पहला है सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंगोत्री, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है धरा और डी ऑप्शन है विद्युत। तो जो सौदामिनी शब्द है उसका प्रयोग करते हैं हम विद्युत के लिए। इसका सही आंसर है विद्युत। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अनेक शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनेक शब्द का पर्यायवाची, ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है सेना, सी ऑप्शन है अग्नि और डी ऑप्शन है घोड़ा। ठीक है जी। तो अनेक शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है सेना। सेना शब्द के लिए यूज किया जाता है अनेक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का पर्यायवाची शब्द। घर, विहार, इला, आश्रम या गृह। तो घर का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है घे। ठीक है जी। अगला है, इनमें से आंख का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें नहीं है, इनकी कौन सा शब्द जो है वो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चक्षु, दृग, अक्षी या अतुल। तो जो सही ऑप्शन का जो सही आंसर है वो है अतुल, क्योंकि चक्षु भी आंख को बोलते हैं, दृग भी और अक्षी भी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल शब्द है, जैसे आपको पता होगा फूल का नाम है, उसका कौन कौन से इन शब्दों में से कौन सा जो है वो सही है पर्यायवाची शब्द? ताम्रस, सोमरस, रसाल या अंबु। तो जो सही इसका आंसर है वो है ताम्रस। कमल शब्द का सही पर्यायवाची है ताम्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों में कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कल्प वृक्ष, पारिजात, कल्प तरु, देव वृक्ष या उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी किसके हैं? आपके कल्प वृक्ष के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत, अंतिम, कटु या स्मरणीय। ठीक है जी। तो चिरंतन का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है शाश्वत, यानी कि जो हमेशा के लिए रहता है। चिरंतन, चिर से अंत तक। ठीक है जी। शाश्वत शब्द इसका सही पर्यायवाची शब्द है। अगला पर्यायवाची जो शब्द है वो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। निम्न शब्दों में से पत्थर का कौन सा शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है? पाहन, उपल, पाषाण या उर्ग। तो निम्न ऑप्शनों में से जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है वो है उर्ग। पाहन भी पत्थर को कहते हैं, उपल भी और पाषाण भी। तो कौन सा शब्द? उर्ग शब्द जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आपका मस्तक का पर्यायवाची। मस्तक आप जानते होंगे, माथे को बोलते हैं। तो उसका पर्यायवाची शब्द लाल, ललाट, लालिमा या ललाई। तो इसमें माथे को क्या कहते हैं? ललाट। अगला पर्यायवाची शब्द मृगधर का पर्यायवाची शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो मृगधर का पर्यायवाची है? मयूर, सिंह, चंद्रमा या शिव। मृगधर का पर्यायवाची शब्द तो जो है वो है आपका चंद्रमा शब्द, मृगधर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है बृहत। बृहत का कौन सा शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द है? चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है सूक्ष्म, दूसरा है अंधकार, तीसरा है अलौकिक और चौथा है व्यापक। इन चारों में से बृहत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो सही है वो है डी ऑप्शन, व्यापक शब्द बृहत का क्या है? पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देवता। निम्न शब्दों में से देव कौन सा शब्द जो है वो देवता का पर्यायवाची
नहीं है देवता शब्द का। तो पहला ऑप्शन है सुर, दूसरा है अमर, तीसरा है देव और चौथा है सुधाकर। तो कौन सा शब्द जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका सुधाकर। ठीक है जी, क्योंकि सुर भी देवताओं के लिए यूज होता है, अमर शब्द भी देवताओं के लिए और देव तो देवताओं के लिए यूज होता ही है, तो सुधाकर। हाथी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? हाथी, व्यालराज, मकरंद, मतंग या पनगति। हाथी का पर्यायवाची, तो हाथी का जो पर्यायवाची है वो है आपका सी ऑप्शन, मतंग। ठीक है जी, हाथी का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? मतंग शब्द, जिसे गज भी कहते हैं, हय भी कहते हैं। ठीक है जी, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द, कालिंदी का पर्यायवाची सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना। तो कालिंदी किसका प्राचीनतम नाम है? तो वो है आपका यमुना का। सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न शब्दों में जो शब्द सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सभा आप समझते हो ना, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, सभा बैठती है। तो इनमें से हम, इन शब्दों में से हमने बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो सभा का पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन है सम्मिलित, बी ऑप्शन है परिषद, सी ऑप्शन है बैठक और डी ऑप्शन है महावर्तन। तो कौन सा शब्द जो है वो सभा का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है आपका सम्मिलित। ठीक है जी, परिषद बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बैठक बहुत सारे लोग होते हैं, महावर्तन बहुत सारे लोग होते हैं, सम्मिलित, सम्मिलित यानी कि एक पर्सन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम सभा नहीं काउंट करेंगे। आग का पर्यायवाची शब्द, आग का पर्यायवाची शब्द पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या सकर। तो निम्न शब्दों में आग का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? वो है वैश्वानर। ठीक है जी, वैश्वानर। किताब का पर्यायवाची शब्द कौन है? निम्नलिखित शब्दों में किताब का पर्यायवाची शब्द कौन है? पोथी, पाथी, पथी या पाठी। तो निम्न शब्दों में कौन सा शब्द? पोथी। पोथी शब्द किताब का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। कला निधि का पर्यायवाची शब्द, कला निधि। ठीक है जी, तो कला निधि का हमने पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है नी, दूसरा ऑप्शन है हिमांशु, तीसरा ऑप्शन है अंबु और चौथा ऑप्शन है अगार। तो इन चार शब्दों में कला निधि का कौन सा शब्द पर्यायवाची है? बी ऑप्शन, हिमांशु, कला निधि का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द, निम्न शब्दों में चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा शब्द चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रहास, दूसरा ऑप्शन है रजत, तीसरा ऑप्शन है कौमदी और चौथा ऑप्शन है स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सी ऑप्शन, कौमुदी। ठीक है जी, अगला प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है, ए ऑप्शन है स्रोज, बी ऑप्शन है उरोज, सी ऑप्शन है मनोज और डी ऑप्शन है पाथोज। तो जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वो है सी ऑप्शन, मनोज। ठीक है, और एक और बात, पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं यानी कि जैसे एक शब्द को आगे और क्या क्या कहते हैं वो उनका बताना, तो वो प्राय यानी कि और अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है जी, लेकिन उसी ही शब्द के निकलेंगे उसके जैसे अर्थ, अलग नहीं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पर्यायवाची। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।